हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स पोर्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आए हुए हैं। ठीक है, तो जो अभी जिससे पहले हमने चैप्टर डिस्कस किया है डायरेक्ट एंड इनवर्स पोर्शन, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ें जिससे कि ये क्वेश्चन इसके क्वेश्चन आपको समझ में आए और कैसे किए जा रहे हैं वो भी समझ में आए। ठीक है, तो अब क्या है ये क्वेश्चन जो दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ए टेप फिल इन ए टैंक इन 6 आवर। एक टेप है, वो क्या है को एक टैंक को भरता है 6 घंटे में। दूसरा टेप है, अनदर टेप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 9 आवर। एक टेप 6 घंटे में भरता है और दूसरा टेप 9 घंटे में खाली करता है। तो कह रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक। द टैंक इज एम्प्टी एंड बोथ टेप आर ओपन। जो एम्प्टी और फुल वाले टैंक दोनों खुले हुए हैं, तो वो कितने घंटे में फिल करेगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो टैंक है वो टोटल उसका पार्ट कितना है, लेट द टैंक कितना है इज वन पार्ट। पूरा क्या है, एक पार्ट में है। ठीक है, तो अब इसको टैंक ए जो है, अब जो दो टेप हैं, एक टेप को ए मान ले रहे हैं, दूसरा टेप को बी मान ले रहे हैं। तो ए क्या करता है, टेप ए कैन फिल द टैंक इन 6 आवर। ठीक है, कितने घंटे में भरता है, टेप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर, सॉरी 6 आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में वो 6 आवर में भरता है, तो 1 घंटे में कितना पोर्शन को भरेगा, 1/6। ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट कितना है, 1 है, तो 1/6 पोर्शन को उसको फिल कर देगा। ठीक है, टेप बी है, वो इम्पिटी कर दे रहा है। बी क्या कर रहा है, इम्पिटी कर रहा है कितने घंटे में, 9 घंटे में, 9 आवर में। ठीक है, तो ये 1 घंटे में कितना इम्पिटी करेगा, 1/9 पोर्शन को। ठीक है, 1/9 पार्ट को उसके फिल क्या करेगा, इम्पिटी कर देगा। ठीक है, अब देख तो, अब 1 घंटे में, अब 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, इन आवर पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड। 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, तो सबसे भरेगा 1/6, और उसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 1/ कितना घट जाएगा, 1/9। ठीक है, तो 1/6 भरेगा और 1/9 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 6/54। तो 1 घंटे में 9 - 6/54 ये हो जाएगा 9 - 1, तो ये हो जाएगा 9 - 3/54। ठीक है, तो ये इसको कटेंगे तो ये हो जाएगा 3 * 9 = 3, और 3 * 8 = 24। तो 1/18 पोर्शन उसका भर जाएगा। तो टोटल पोर्शन भरने के लिए कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 1 पोर्शन है, 1 पार्ट है पूरा, तो टोटल भरने के लिए कितना हो जाएगा, कितने घंटे लगेंगे, 1/, ठीक है, तो फिल द टैंक टोटल पोर्शन 1/ कितना हो जाएगा, 1/18, 1 घंटे में 1 घंटा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 आवर हमारे लग जाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। दूसरा तरीका क्या है, पहले क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए टेप फिल द टैंक इन 6 आवर। टेप जो है 6 घंटे में फिल करता है। एनदर टेप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 9 आवर, और दूसरा टैंक क्या करता है, 9 घंटे में खाली करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टेप ए कैन फिल द टैंक इन 6 आवर, और टेप बी कितने में, 9 आवर में करता है। तो 6 और 9 का एलसीएम ले लेंगे, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। ठीक है, 6 एंड 9 का एलसीएम देखो, 6 है और 9 है, इसको करने के लिए क्या हो जाता है, 3 2 3 3 3 9। ठीक है, अब तो कटेगा ना, 3 2 6 3 18, तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे,
तो हम मान लेते हैं कि टोटल कितने यूनिट हमारा है टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, 18 यूनिट है। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, टैंक कैपेसिटी है 18 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या करता है, एक जो टैंक है वो 6 घंटे में फुल करता है, 6 घंटे में 18 यूनिट फुल करता है, 6 घंटे में टेप ए 6 घंटे में कितना पुट करता है, 18 यूनिट, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना फुल करेगा, 18 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना, 6 त्रिक 18, 3 यूनिट, ठीक है। अब दूसरा टेप कितने घंटे में खाली करता है, टेप भी 9 घंटे में खाली करता है, 9 घंटे में खाली करता है 18 यूनिट को, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट को खाली करेगा, वो 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 यूनिट खाली करेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, तो 3 यूनिट भरेगा और 2 यूनिट खाली होगा, तो टोटल कितना भरेगा, 1 यूनिट फिल होगा 1 घंटे में, ठीक है, दोनों टेप जब खुले होंगे। तो 1 यूनिट 1 घंटे में खुले फिल करेगा, और टोटल कितने यूनिट फिल करना है, 18 यूनिट फिल करना है। तो 18 यूनिट फिल करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 18 यूनिट को 18 आवर, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये है, पहले एलसीएम लें और दूसरे उस तरीके से वो कर लें, तो ये 18 घंटे में फिल कर देगा। चल ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविजन ऑफ 40 डेज। कह रहे 50 गर्ल्स का फूड प्रोविजन है 40 डेज के लिए, 30 मोर गर्ल्स इन ज्वाइनिंग द हॉस्टल, 50 लड़कियां पहले हैं, हमारे 30 लड़कियां और ज्वाइन कर रहे हैं, तो कितनी हो गई टोटल, 80 गर्ल्स, ठीक है। तो अब क्या कि गर्ल्स बढ़ रही हैं, तो हमारे नंबर ऑफ डेज कितने फूड प्रोविजन के कम हो जाएंगे, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको क्या हो जाए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमने बताया था x1 y1 = x2 y2 होता है। तो यहाँ पे x1 क्या है, गर्ल्स है, y1 हमारी डेज है, तो x1 हमारा क्या है, 50 × y1, y1 तो पता है हमारा कितना, पहले 50 है तो कितने 40 डेज चलता है, और जब 80 हो जाएंगी तो कितनी देर चलेगा पता नहीं, y2 पता कर लेंगे। तो 50 × 42 कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, 80, ठीक है, y2 डेज हमारे पता हो जाए, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 × 9 8, 8 × 2 16, 8 × 5 46, तो y2 = कितना, 25 डेज हमारी चलेंगे, ठीक है, जब 80 हो जाएंगे तो 25 डेज चलेंगे। अब दूसरा एक मेथड और हमने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, क्या बताया था, y = k/x कर लो, ठीक है। तो y हमारा क्या है, हमें जो पता करना होता है उसको हम y मान लेते हैं, तो पता क्या करना है, हमारे नंबर ऑफ डेज पता करना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज पता करना है, तो उसको y, तो 40, सबसे पहले 40 जब डेज चलते हैं, जब के अपॉन कितने हैं, 50 गर्ल्स हैं, तो के की वैल्यू सबसे पहले पता करनी, k = कितना हो जाएगा, 2000, ठीक। अब कितना है, फिर से वही के की वही लिखते हैं, y = k/x, अब के की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, कितनी, 2000/x। अब क्या है, हमें वाई अभी पता है, क्या पता है, कितनी गर्ल्स हो गई, ओ सॉरी वाई पता करनी, डेज पता करनी है, तो अब 2000 अब कितनी गर्ल्स हो गई, 80 गर्ल्स हो गई, एक्स कितनी हो गई, 80, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये यहाँ से करें तो 25 आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू 25, तो ये 25 डेज अब चलेंगे। तो ये दूसरा मेथड था y = k/x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला यूज करके हम इस तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो दो तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं ए कार कवर्स ए डिस्टेंस इन 40 मिनट विथ एन एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब क्या है, कोई कार 40 मिनट में आपको क्या एक डिस्टेंस कवर करती है जिसमें एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, द एवरेज स्पीड टू ए कवर सेम डिस्टेंस इन 30 मिनट। अब क्या कह रहा है, पहला 40 मिनट में पूरी करती थी, अब कितनी मिनट में पूरी करनी है, 30 मिनट में। तो 40 मिनट में पहले पूरी करती थी, अब 30 मिनट में करना है, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ ही जाएगी,
टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो हम क्या करेंगे, वही कर लेंगे, एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू। एक्स वन कितना है 40 मिनट, और वाई वन कितना है हमारा 40 मिनट में जब पूरी करता है 60 की स्पीड में। तो एक्स टू हमारा कितना है, अब यहाँ पे 40 क्या था मिनट थे, अब कितना 30 मिनट हो में करना है। वाई टू स्पीड पता करनी है कितनी स्पीड में जाएगी, तो 40 और ये कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 30 इक्वल्स टू ये हमारी सेकेंडरी स्पीड, तो ये हो जाएगा 30 दुना 60। तो अब क्या हो जाएगा, वाई टू इक्वल्स टू 40 दुन 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब क्या है, स्पीड हमारी बढ़ गई, क्योंकि टाइम घट गया तो स्पीड बढ़ गई। स्पीड हमें भाई उससे कम कम टाइम में पूरी करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस सेम उसी तरीके से वाई इक्वल्स टू के बाई एक्स वाले तरीके से भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस हमारी देखो 40 मिनट में कवर हो रही है। अब इसको एक तरीके से और करने की कोशिश करें, टोटल डिस्टेंस हमारी 40 मिनट में विथ कवर्स इन स्पीड 60 किलोमीटर इस पर 40 मिनट, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो कवर होगी, ठीक है। ओके 40 मिनट भी थे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस हमारी ये कवर हो गई। इस तरीके से छोड़ो, जो तरीका है इसी तरीके से, क्योंकि ज़्यादा तरीके जानोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड हमारी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दो क्वेश्चन एक साथ हैं। पहला क्वेश्चन है, ए ट्रक नीड 54 लीटर डीजल ऑफ कवरिंग डिस्टेंस 297 किलोमीटर, द डीजल रिक्वायर्ड फॉर द ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर। अब क्या है, 54 लीटर में 297 किलोमीटर चल रहा है, तो अब डिस्टेंस हमारी बढ़ रही है, तो क्या होगा, लीटर में डीजल भी बढ़ जाएगा। यानी कि अब क्या है, डायरेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, ठीक है। एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्या होता है, एक्स वन अपान वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू अपान वाई टू, ठीक है। तो एक्स वन सबसे पहले कितनी, 54 लीटर में कितना चल रहा है 297 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। अब एक्स टू हमारी क्या है, अब दूसरी चीज के लिए कितने लीटर डीजल चाहिए, तो एक्स टू हमको पता करना है, वाई टू कितनी दिया, कितनी डिस्टेंस चल रहा है 550, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 54 मल्टीप्लाइड बाई 550 डिवाइड बाई 297 इक्वल्स टू वाई टू। वाई टू हमारा टोटल डीजल जो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड लग हो रहा है, 3 9 27 और 3 9 27, ठीक है। और 3 9 3 और 3 8 24, ठीक है। फिर ये 3 3 9, 3 3 9 से फिर से कट जाएगा, ये 3 6 18 से कट जाएगा, फिर 3 9 3 और 3 9 3 से कट जाएगा, ये 3 9 6 से कट जाएगा, फिर यहाँ से 11 9 11 और 11 5 55, तो 50, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो कितना हो जाएगा 50 दुना 100। तो ये 100 लीटर पेट्रोल और डीजल से हमको रिक्वायर्ड होगा ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो फिर से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए ट्रेवलिंग बाई ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ए कार कैन फिनिश ए सर्टेन जर्नी इन 10 आवर। 48 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलते हुए 10 घंटे में पूरी कर दे रही, तो टू कवर सेम डिस्टेंस इन 8 आवर द स्पीड कार शुड बी। तो पहले क्या है, 10 घंटे में पूरा कर रहा है, अब क्या हो रहा है, टाइम घट रहा है, जब टाइम घट रहा है तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू वाले से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई कितने घंटे में पूरा कर रहा है, 10। तो अब हमको दूसरे की क्या क्या टाइम हमको पता है, तो हमारा एक्स टू पता करना है, एक्स टू हमारा कितना स्पीड है, तो वाई टू हमारा कितना 8, तो कितना हो जाएगा, एक्स टू हमको 48 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 8 अपॉन इक्वल्स टू एक्स टू, तो 8 6 48, तो ये हो जाएगी 60 की स्पीड, कितना 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ये चलेगी, तब ये डिस्टेंस कवर कर पाएगी
कितने घंटे में, 8 घंटे में, ठीक है। अब इसको वही y=k/x के तरीके से भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हो, कई तरीके हैं। तो ये तरीका हमारा बहुत आसान है, x1y1=x2y2 रखेंगे आंसर आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, x1/y1=x2/y2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एलोन कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज, देन ए एलोन कैन डू इट। हम मान ले रहे हैं जो तो टोटल वर्क है वो वन है, एक वर्क है, कंप्लीट वर्क वन, ठीक है। तो ए हमारा करता है 20 डेज में, ए करता है कितने डेज में, 20 डेज में। तो एक डेज में ए कितना करेगा, 1/20, टोटल जितना है वन है, तो उसका 1/20 पोर्शन कर देगा, ठीक है। अब ए प्लस बी दोनों क्या है, ए और बी दोनों मिलके कितने में करते हैं उसको, 12 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना कर देंगे, 1/12, ठीक है। तो एक दिन में ए हमारा 1/20 पोर्शन करता है, ए प्लस बी कितना करता है, 1/12 पोर्शन करता है, ठीक है। तो अब ए बी का हमको निकालने के लिए हमको क्या, ए का निकाल दें टोटल दोनों को मिला से, तो हमारा टोटल, हमारा ए प्लस बी कितना है, 1/12 पोर्शन करता है, ए करता है 1/20 पोर्शन। तो अब यहां से बी बचेगा तो कितना हो जाएगा, 20-12, ठीक है। तो 20-12/, ये हो जाएगा 12 दुना 24, 240। तो 20-12 कितना हो जाएगा, 8/240, 8 3 24, ठीक है। तो 1/30, तो हमारा ए जो हमारा करता है, ठीक है, बी एलोन, तो ए हमारा जो कर रहा है, ए हमारा कर दे रहा है इसको कितने दिन में, एक दिन में जो काम करता है हमारा, तो एक दिन का काम करे ना ए, एक दिन में ए 1/30 पोर्शन कर दे रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, वन। तो एक को पूरा करने बनने में हमारा एक दिन में 1/30 करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/1/30, तो 30 से ऊपर जाएगा, ये 30 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। तो बी हमारा कितना करता था, 20 डेज में, तो ए कितना करेगा, 30 डेज, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कह आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो हम क्या करते थे, सॉरी, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए एक्स इज टू के वाई, जहां पे के का होता था कांस्टेंट होता था, तो इसको क्या लिख सकते थे, x/y=k, k=कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले करा x-y कांस्टेंट, नहीं भैया, x+y कांस्टेंट, x y कांस्टेंट नहीं, x/y कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। अब यही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता तो हम क्या करते, एक्स इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/y होता। अब यह क्या हो जाएगा, xy=, अब यहाँ पे एक्स वाई, अब इसको लिख सकते हैं x=k/y, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, xy=k, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, xy=कांस्टेंट होता इनवर्सली में, तो ये वाला आंसर आ जाता, सी वाला, और डायरेक्टली में डी वाला, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम दो क्वेश्चन एक साथ ले लिए। पहला क्वेश्चन है, इफ 200 स्टूडेंट टेक 40 डेज टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाई 250 स्टूडेंट। अब क्या करें, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, घट जाएगा, टाइम घट जाएगा, तो हमको क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या ही हो जाएगा, x1y1=x2y2, तो क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज़ इक्वल्स टू कितना है हमारा, 200 हमारे नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट है, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई y2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 200 मल्टीप्लाइड बाई 240 डिवाइड बाई 250 इज़ इक्वल्स टू y2, तो क्या हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 25 है, 5 5 25 और 5 6 20, तो 40, और ये हो जाएगा 5 8 40, ठीक है। तो 8 और ये 4, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 8 6 32, तो ये कितना हो जाएगा, 32।
तो अब कितने घंटे लगेंगे, 30, और डेज लगेंगे 32 डेज लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शन का यूज करके कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कार कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए, और जब ऐसे क्वेश्चन हो तो एक फार्मूला यूज होता है, वो फार्मूला आप याद रखेंगे, वो होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, 2S1 × S2 / S1 + S2, जहां पे S1 क्या होती है, पहले जिस स्पीड में गई, S1 फर्स्ट स्पीड, ठीक है, और S2 क्या होता है, सेकंड स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीड हमारी क्या कितनी गई दी गई है, यहां पे 40 दी गई है, ठीक है, ट्रेवलिंग कार स्पीड है 60 दी गई है, और सेकंड कितनी गई है, 40। तो एवरेज क्या हो जाएगी, 2 × 60 × 40 / 60 + 40, तो कितना हो जाएगा, 2 × 60 × 40 / 60 + 40 कितना हो जाएगा, 100। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो, ये जीरो से ये कैंसिल, तो 6 × 24 = 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी, तो ये हमारी जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है। इस तरीके के क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे, थोड़ा हाइयर लेवल के, लेकिन आप ये सब भी कर लेंगे तो अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाएगा तो फिर कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ ले लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है मीनाक्षी क्या कर रही है, साइकिल्स टू हर स्कूल एट एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स 20 मिनट टू रीच हर स्कूल, ठीक है, 12 किलोमीटर पहुंचने में उसे कितने 20 मिनट लगते हैं, ठीक है, टू रीच स्कूल। इफ़ सी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 12 मिनट, ठीक है, कितने 12 मिनट में पहुंचना है, तो हर एवरेज स्पीड शुड बी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, पहले कितना 20 मिनट में पहुंचना था, 12 मिनट में पहुंचना है, ठीक है, 12 मिनट में पहुंचना है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड पहले 12 किलोमीटर थी, तो अब स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 12 मिनट में है, टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ घट रहा है तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, तो 12 × हमारा कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो x1 हमारी कितनी है, 12 × 20, और x2 हमारा क्या है, यहाँ पे अब x2 × y2 हमारी क्या है, मिनट हमारा क्या है, 12। तो हमको स्पीड पता करनी है, तो हमारा हो जाएगा 12 × 20, 12 इधर आ जाएगा, 12 × 20 / 12, ठीक है, x2 तो 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या कितना हो जाएगा, x2 20, ये क्या था स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहे हैं 100% हैड फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज, कितना है, 24 डेज के लिए था, ठीक है, 20% लेफ्ट, 20% चले गए, ठीक है। तो अब कैसे 120% चले गए, दिन बढ़ जाएंगे, तो एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, तो वही x1 y1 = x2 y2 हो जाएगा। पहले कितने लोग थे, 100% थे, कितने चले गए, 20 चले गए, तो बचे कितने, 80 बच गए, ठीक है। तो x1 y1 कितना है, 100 × 24, अब कितना है, 80, ठीक है, अब कितने हैं, 80 × y2, तो अब हमको क्या करना है, 100 × 24 / 80 = y2, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये 8 × 3 = 24, तो ये हो जाएगा 10 × 3 = 30 = y2, यानी कि अब कितने दिन चलेगा खाना, पहले कितने दिन 24 डेज चल रहा था, अब कितने दिन चलेगा, 30 डेज, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 30 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई
एक्स एंड वाई डायरेक्टली विथ ईच अदर देन एक्स अपॉन वाई, वही एक्स एंड वाई डायरेक्टली है तो हमने ये बताया था एक्स मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है के वाई, तो ये हो जाता है एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट। और अगर यूनिवर्सली होता है, दूसरे में यूनिवर्सली में है तो कह रहे हैं एक्स यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई, तो यहाँ पे हो जाता है एक्स इक्वल्स टू के अपॉन वाई, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो एक में x अपॉन वाई कांस्टेंट के बराबर होता है, दूसरे में x मल्टीप्लाइड बाई वाई कांस्टेंट के बराबर होता है, ठीक है, तो इसे हो जाएगा x अपॉन वाई रिमेंस कांस्टेंट, और इसमें p और q है x y की जगह, तो p और q, p मल्टीप्लाइड बाई q रिमेंस कांस्टेंट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए रिक्शा इन 100 किलो इन 1 आवर इज 10 किलोमीटर, एक रिक्शा एक घंटे में कितना 10 किलोमीटर चलता है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेम रिक्शा विद सेम स्पीड इन 1 मिनट, ठीक है, तो एक घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक। अब द डिस्टेंस ट्रेवल बाई रिक्शा इन 1 आवर 10 किलोमीटर, ठीक है, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। अब एक घंटे में 10 किलोमीटर, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक। अब फिर कह रहा है देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेम रिक्शा विद द सेम स्पीड इन 1 मिनट इस, अब वो 1 मिनट में कितना चलता है, तो 1 मिनट में चलने के लिए क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 60। अब ये किलोमीटर था तो इसको मीटर हम में चेंज कर सकते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, तो यह हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 60, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, यहां से अब 6 से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, या इसको 2 3 6 2 5 10, तो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, या इसको, ठीक है, तो ये मीटर में आ जाएगा, ओके। अब इसको और डिवाइड कर सकते हैं, बट इसमें ऑप्शन ऐसे ही हैं, तो ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोथ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली विथ ईच अदर, देन एक्स इज 10 वाई इज 14। अब डायरेक्टली कह रहा है तो देखो डायरेक्टली में तो सीधी बात है, एक्स और वाई, एक्स तो यहां से डायरेक्टली में हमने क्या पढ़ाया था, एक्स इक्वल टू के वाई होता है, ठीक है, के कांस्टेंट होता है, यही एक्स अपॉन वाई इक्वल टू है। अब कह रहा है बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्टली विथ ईच अदर व्हेन एक्स इक्वल टू 10 वाई इज 14, एक्स हमारा 10 है, वाई कितना है 14 है, ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 अपॉन 14। अब फिर यहाँ पे लिखने एक्स इक्वल टू के वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10 अपॉन 14 वाई। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, अब एक्स और वाई हम कौन सी वैल्यूज के लिए पॉसिबल नहीं है, तो अब यहाँ पे रखें दोनों बराबर, जिसमें नहीं होंगे उसके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो पहला है x हमारा 25 है, y 35 है, तो रखें 25 इक्वल टू 10 अपॉन 14, y कितना है 35, ठीक है, तो अब क्या है, यहां से डिवाइड करेंगे, तो 25 तो आया ना 350, 350 को 14 से डिवाइड करेंगे, ये ऐसे करें, दो सत्ते 14, दो पंचे 10, और 7 5 35, तो ये कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स टू 25, तो पहला पॉसिबल हो गया। दूसरा कह रहा है 35 25, तो हम 35 यहाँ रखेंगे, और ये सर 10 अपॉन 14 और 25, तो अब अभी जब 35 इक्वल्स टू 25, यहाँ पे 35 रखा था, तो अब ये कहाँ सेटिस्फाई करेगा, देखते करके देख लेते हो, तो 2 5 10 नहीं सॉरी 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है।
अब क्या है, 7 से 7 से 25 कटेगा नहीं, तो 7 से 25 कटेगा नहीं, तो ये हमारा यहाँ से 7 त्रिक 21, तो ये इक्वल आएगा नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा क्या कह रहा है, 35 39, एक तरफ 35 एक तरफ 39, तो यहाँ पे हम रखेंगे 35, इसको 10/14 39, तो यह 2 सते 14, ठीक, और 2 पंचे 10। अब क्या है, 7 है तो 7 पंचे 35, 7 6 42 होता है, तो 7 पंचे 35, तो यहाँ पे अगर 35 होता तब तो हो जाता 5 पे 25, तो 35 हम लोग करते हैं 7 सते 7 पंचे 35 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 आएगा तब हो पाएगा, तो 7 हमारा किसी भी 7 7 सते 49 होता है, तो 39 तो होता नहीं, तब भी यही हो पा रहा है। फिर कह रहा है विद इज नॉट ए पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो 25 35 हमारा पॉसिबल है, 35 25 नहीं पॉसिबल है, 35 49। अब ऐसे वैल्यूज हम रखेंगे 15 21, ठीक है, तो 15 हम रखेंगे यहाँ पे, और ये कितना है 14/10 है हमारा, 14 ऐसे कर, इसको 2 पंचे 10, 2 से 14, 5/7 ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है, और ये 15 है, और यहाँ पे कितना है दूसरा 21, तो 21 है, तो 1 7 3 21, तो ये 15 और 3 21 तो 5, ये 15, तो ये 15 बराबर 15, तो ये पॉसिबल है हमारा, ये भी पॉसिबल है। अब ये हमारा 35 25 तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, 35 39, तो 35 39 भी हमारा पॉसिबल नहीं है, जिसको 35 हमने रखा था यहाँ पे, एक बार फिर से अगर चेक कर लें, 35 है यहाँ पे, फिर से ले लो 35 इक्वल्स टू 5/7 × 39, ठीक है, तो 39 7 से कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये बन ही नहीं रहा है, तो ये दो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, एक ऑप्शन का आंसर आएगा आपके में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन जितने थे ये सब हमने करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आदमी चल रहा है 2 आवर टू कवर ए डिस्टेंस व्हेन द वॉक ए किलोमीटर, ए मैन टेक 2 आवर टू कवर ए डिस्टेंस व्हेन ही वॉक 8 किलोमीटर पर आवर, ही वॉक्स 8 किलोमीटर, 8 मतलब यहाँ पे शायद 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, शायद 8 लिखा है, तो 8 मतलब भी गलत लिख दिया गया, 8 ये होगा। ठीक है, तो ए मैन टेक्स 2 आवर कवर डिस्टेंस व्हेन ही वॉक्स 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन इफ द वॉक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे पहले यह 2 घंटा लगता है जब वो अपनी डिस्टेंस कवर करने में, जब वो कितना चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन व्हेन ही वॉक एट रेट ऑफ 4 किलोमीटर, अब जिसने भी स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाई हमारा टाइम, ठीक, तो 2 8 16, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 कर दो, 4 दूनी 8 दून 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉक्स 8 किलोमीटर पर आवर, अब 8 8 क्या है यहाँ पे, ये दिक्कत है। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर पर आवर 2 आवर टू कवर ए डिस्टेंस व्हेन ही वॉक 8 8, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे कोई डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरीके से तो क्वेश्चन हम लोग करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ दिक्कत है, इसे छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं गिव गिवन 2 क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, इफ एन इंक्रीज इन एक्स कॉज ए प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन वाई। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात, कह रहे एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
एंड वाइस वर्सा कह रहा, दूसरा अगर घटेगा तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, तो सच देयर प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन एक्स एंड वाई आर सेट टू बी कैसे कहलाएंगे? इंडिपेंडेंट, भैया इंडिपेंडेंट तो है नहीं, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है इसे तो है नहीं। दूसरा का इन्वर्सली रिलेटेड, बिल्कुल सही, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, डायरेक्टली में एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, नन ऑफ दिस, ये गलत है। ठीक है, तो एक बढ़ता है दूसरा घटता है, इन्वर्सली में दोनों बढ़ते हैं तो डायरेक्टली, दोनों घटते हैं साथ में तो डायरेक्टली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ द वेट ऑफ 12 सीट इज 40 ग्राम, 40 ग्राम है 12 सीट का, हाउ मेनी सीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड बी वेट 2.5 kg। अब कह रहे 2.5 kg को सबसे पहले ग्राम में बदलो, तो 2.5 kg का ग्राम में बदलने के लिए 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 3 0 इसमें बढ़ जाएंगे तो ये दशमलव उधर जाएगा। ठीक, तो 2500, ठीक है 2500, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल ग्राम। अब क्या कह रहा है, इफ द वेट ऑफ 12 सीट इज 4 4 ग्राम, ठीक है, तो हाउ मेनी सीट, अब कह रहा है वेट हमारा बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है तो क्या पेपर भी बढ़ेंगे, सीट सीट्स ऑफ पेपर भी बढ़ जाएंगे, तो दोनों साथ बढ़ रहे हैं तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 12 सीट का कितना है 40 ग्राम। ठीक है, तो अब सीट हमको पता करनी है, तो सीट हम यहाँ पे एस मान ले रहे हैं और उसका हम लोग कितना ग्राम है, 2500 ग्राम है इसका वेट, तो ये क्या हो जाएगा, एस हमारा क्या है सीट, तो सीट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 2500 डिवाइड बाई 40, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 4 3 12, ठीक है, तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 3 75, तो 750, ठीक है 750 सीट्स हो जाएंगे। ओके, तो ऑप्शन सी, तो इसमें क्या था केजी को एक ही हम उसमें रखेंगे, जो अगर मीटर में जैसे ग्राम में है तो ग्राम में, या इसको ग्राम वाले को केजी में बदल लेते तो भी आंसर सेम आ जाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि 56 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, हाउ मेनी मैन विल डू इट इन 14 डेज। तो साफ बात है भाई, दिन हमारे कम हो रहे हैं तो आदमी बढ़ जाएंगे, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक्स वन वाई वन वाला लगेगा, 56 मल्टीप्लाइड बाई 42 इक्वल्स टू हमारा 14 मल्टीप्लाइड बाई हमारा मेन, ठीक है मेन निकालना है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 42 डिवाइड बाई 14, ठीक है इक्वल्स टू मेन, तो 14 3 जा कर 3 4 12 गए, 3 1 3 1 4 42, 14 3 जा 42 होता है, ठीक है, तो ती हो तो ये हो जाएगा मेन इक्वल्स टू 56 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये करेंगे 3 6 18, 3 5 15 1 16 168, ठीक है, तो 168 हमारे मेन चाहिए 14 दिन में करने के लिए। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं इफ 14 kg राइस कास्ट इज 441, ठीक है, द कास्ट ऑफ 22 kg ऑफ राइस। अब देखो 14 kg का 441 है, ठीक है, तो 22 kg का पता करना है, तो अब केजी बढ़ रहा है तो पैसे भी बढ़ेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्स वन अपॉन वाई वन इजक्वल्स टू एक्स टू अपॉन वाई टू, तो एक्स वन हमारा क्या है 14 और कितना है 441, 14 kg का, तो अब हमारा क्या है द कास्ट ऑफ, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 22 kg राइस, तो अब 22 किलो बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट पता करना है, तो कॉस्ट हमारा वाई टू हमारी कॉस्ट है, ठीक है, तो वाई टू पता करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो 14 डिवाइड बाई 441 मल्टीप्लाइड बाई वाई टू इक्वल्स टू 22,
अब वाई टू हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 4, 41। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 14 इक्वल्स टू वाई टू। ओके ओके, नहीं, ये तो ऐसे उल्टा हो जाएगा ना, जब यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा 441 ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे होगा। चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा वाई टू, हम जब निकालेंगे तो आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 14 अपॉन 441। ठीक है, वाई टू हमारा क्या हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाई 441 डिवाइड बाई 14। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 2 7 14 और 2 3 22। ठीक है, 7 से 7 25 35, 7 6 42, 42 यहाँ से 2 4 21, 7 3 21, 63। तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33 के 3, 11 6 66, 66 और 3 69, 69 693 रुपये। ठीक है, तो कितना रुपया चाहिए हमको, 693 रुपये चाहिए अगर हमारा वेट हो जाएगा 22 kg। ठीक, सॉरी 14 kg के लिए कितना चाहिए था, 441, तो हमारे 22 kg के लिए कितना चाहिए, 693। ठीक है, अब इसमें वो वाला मेथड भी लगा सकते थे। ठीक है, एक्स वाई इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और फिर वाई इक्वल्स टू के एक्स में रख के उसको वैल्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये वाला एक आसान मेथड हो जाता है, कैलकुलेशन 2 बार नहीं करनी पड़ती है, एक ही बार कैलकुलेशन में आ जाता है। तो जब भी डायरेक्टली का होगा तो ये यूज़ करना, और इन्वर्सली का होगा तो एक्स वन वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू वाई टू यूज़ करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे वो करवाए हमने, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ हमने अलग से भी क्वेश्चन लिए, उन क्वेश्चंस को भी करवाया जो आपके कॉन्सेप्ट में या इस बुक से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो लगभग सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, जो आपको दिक्कत आते हैं ठीक है उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।